मुंबई में हर तरफ धड़क के प्रीमियर एक से बढ़कर एक अंदाज में किए गए। सबसे पहले YRF स्टूडियो में एक प्रीमियर रखा गया, जहां पहुंचे हुए थे फिल्म के डायरेक्टर शशांक, आनंदिल राय, ईशान और जानवी, बोनी कपूर, सचिन जोशी, शबाना आजमी और जावेद अख्तर, खुशी कपूर। YRF के बाद दूसरी जगह थी जुहू का एक थिएटर, जहां पर एक से बढ़कर एक सितारों ने शिरकत की। ईशान, जानवी वहां पर भी दिखाई दिए और फिल्म के डायरेक्टर शशांक खेतान ने अपने दिल की बातें हमसे शेयर की। जी, अभी तक सब अच्छा जा रहा है। जो अभी देख रहे हैं हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, जिन्होंने फिल्म पे काम किया है, वो लोग हैं, तो वो बहुत उत्सुक हैं ये देखने की कि फाइनल प्रोडक्ट क्या है। असली जो क्या बोलते हैं रिएक्शंस हैं और क्या होने वाला है वो कल ही पता चलेगा, पर अभी बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी लोगों ने देखा है, काफ़ी लोगों ने ट्वीट किया है सोशल मीडिया पे, और हम बहुत खुश हैं पिक्चर्स हैं और हम बहुत एक्साइटेड हैं कि लोगों को ये फिल्म दिखा सके। लोगों को कैसी लगी फिल्म, इसके बारे में भी शशांक ने हमें बताया। जी, मैं इतना खुश खड़ा हूँ, मतलब उन्होंने अच्छा ही कहा है। करण भी काफ़ी खुश हैं और उन्होंने यही कहा कि इज प्राउड दैट वी हैव मेड दिस मूवी, पर आई थिंक इट्स नॉट राइट कि हम अपनी तारीफ करें, अपने फिल्म के बारे में कुछ बोलें। हम चाहेंगे कि लोग देखें और लोग उसके बारे में बात करें। वहीं ईशान कट्टर और जानवी एक दूसरे के काफी करीब भी इस स्क्रीनिंग के दौरान नजर आए। इसके बाद फिल्म का प्रीमियर तीसरी जगह अंधेरी के एक प्रीव्यू थिएटर में रखा गया था, जहां पर फिल्म इंडस्ट्री के सारे प्रोड्यूसर्स जैसे रमेश तौरानी, साथ ही साथ बी टाउन के प्रोड्यूसर गिल्ड के लोग नजर आए। ये स्क्रीनिंग खुद बोनी कपूर ने रखी थी, जहां उनकी माता भी मौजूद थी। यहां जानवी अपनी दादी से कुछ इस अंदाज में मिलती हुई नजर आई, दादी ने उनके हाथ भी चूमे। अब पूरी इंडस्ट्री और मीडिया के महकमे के लोगों ने तो देख ली है फिल्म, देखना बेहद खास होगा कि ऑडियंस का दिल इस फिल्म के साथ कितना धड़कता है।